बचपन से ही शौक था कि कुछ खतरनाक काम करने का। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट किया था पार्टिसिपेट। जिस टाइम पे मैं करती थी उस टाइम पे काफी कम गर्ल्स करती थी। गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नेशनल होता है, उस नेशनल में मैं फर्स्ट गर्ल थी जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है जेएनके में। अपनी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने वो भी एशियन गेम्स में भी फर्स्ट गर्ल हूँ। मैं कॉलेज लाइफ में थी जब मुझे यंग वुमेन अचीवर अवार्ड के लिए पता चला कि मुझे मिलना है जेएनके में। पेरेंट्स ये ना सोचे कि गेम में लग जाएगी, अपने बच्चे को इतना भी नाजुक ना समझे। अगर मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ऐसा समझा होता मैं इस लेवल पे अभी नहीं होती। हाय गुड इवनिंग मैम। हाय गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन मैम। थैंक यू मैम। सो अपने बारे में आप कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। जी मैम, मेरे सफर की शुरुआत बचपन से ही हुई है। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो मैंने फर्स्ट टूर्नामेंट किया था पार्टिसिपेट। नर्सरी क्लास में थी तो मैंने ग्रैंड पेरेंट्स को फोर्स करके मैंने मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। बचपन से ही शौक था कि कुछ खतरनाक काम करने का। तो तब तो गर्ल्स बहुत कम, मार्शल आर्ट्स तो कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ मूवीज में ही देखा जाता था मार्शल आर्ट्स को। अक्षय कुमार करता है ये सभी लोग जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला टाइगर श्रॉफ करता है ये वो। अब तो लोग काफी जानते हैं मार्शल आर्ट्स को। जिस टाइम पे मैं करती थी उस टाइम पे काफी कम गर्ल्स करती थी। और मुझे 21 ईयर्स हो गए हैं, मोर देन 21 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। और अभी तक काफी ज्यादा अवार्ड्स वगैरह जीत चुकी हूँ। बस यहीं से स्टार्ट हुआ, बचपन से ही स्टार्ट हुआ मेरा। सो आपका ये जो सफर बचपन से शुरू हुआ, तो बचपन में ही खैर आपने डिसाइड कर लिया था कि कुछ खतरनाक करना है आपने, तो इस जी खतरनाक करने के सफर में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले तो पेरेंट्स का होता है, जो मेरी ग्रैंड मदर का रहा है। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। जिस वक्त पे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अब तो काफी मॉडर्न हो गए हैं, हर सभी के ग्रैंड पेरेंट्स जैसे जैसे बच्चों को बाहर स्टडीज के लिए भेज रहे हैं वैसे वैसे उनको नॉलेज हो रही है और वो काफी अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में। बट जिस टाइम पे मैं सीखती थी 2004 में मैंने फर्स्ट टाइम ग्वालियर गई थी नेशनल लगाने, तो उस टाइम पे गर्ल्स के लिए बहुत, मतलब काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया से जो लोग हैं, काफी ज्यादा लोग सोचते थे कि नहीं लड़की को नहीं भेजना कहीं पे, मतलब ऐसा बहुत कुछ सोचा जाता था। उस टाइम पे भी मेरी ग्रैंड मदर मुझे काफी सपोर्ट करती थी, सबसे ज्यादा इनकरेज उन्होंने ही मुझे किया आज तक। और दूसरा, कोच का तो हर एक फील्ड में आप रोल रहता ही रहता है। अगर वो ही अपने प्लेयर को नहीं गाइड करेगा तो उसके बिना प्लेयर कहीं नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल बाकी फैमिली का सपोर्ट पूरा रहा मुझे, उन्हीं से आगे इंस्पायर होते होते मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। सो स्कूल में भी आप मतलब बेशक कराटे तो जरूर खेलती होंगी, सो बच्चे बच्चे डरते थे आपसे कि मतलब आपको कराटे आते हैं, मार्शल आर्ट्स आता है? जी, स्कूल से लेके अभी तक मैं ऑफिस में भी मेरे एम्प्लॉयज, मेरे MD वगैरह वो भी सभी डरते हैं। वो भी कहते हैं ये मार्शल आर्ट्स प्लेयर है, इसे दूर ही रहना चाहिए। मतलब काफी अच्छा लगता है तब। सो आपका अगर पहला मतलब ऑफिशियल कराटे मैच जो आपने खेला था, वो आपको याद हो कि आपने कब खेला था और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? 2004 में मैंने ऑल इंडिया का, ऐसे तो मैचेस काफी ज्यादा होते रहते हैं, नेशनल्स भी बिल्कुल काफी होते हैं जिसमें स्टाइल्स के नेशनल्स होते हैं, इंटरनेशनल जो होता है इंटरनेशनल भी काफी होते रहते हैं। बट जो मतलब ऑल इंडिया का है जिसमें मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, ऐसे तो काफी ज्यादा नेशनल्स खेले हैं। बट फर्स्ट टाइम जब मैंने पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया में, मैंने आपको बताया मैं बचपन से ही कितने ईयर्स हो गए हैं मुझे करते हुए, जब मैं छोटी थी उसी एज में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब काफी ज्यादा टूर्नामेंट्स खेले मैंने, उसके बाद जाके मैं मतलब सही लेवल पे पहुंची। जब मैं तो मेरा वो फर्स्ट टूर्नामेंट था जो मैंने खेला ऑल इंडिया का, ऐसे ऑल इंडिया के स्टाइल्स के भी होते हैं। बट जब मैंने वो खेला तो उसमें काफी ज्यादा हमारी टीम से पर्सन सिलेक्ट हुए थे, प्लेयर्स थे, तो उसमें मैं फर्स्ट गर्ल थी जो हिस्ट्री क्रिएट की है जिसने ऑल इंडिया में। और फर्स्ट टाइम पे ही मैंने फर्स्ट गोल्ड लिया था। दैट्स आज ग्रेट। तक किसी ने, अभी तक भी नहीं किसी का ऑल इंडिया में आया है। बट ये है कि वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा प्लेयर्स को भी गलत फहमी होती है कि हम ऑल इंडिया में खेल के आए हैं। यही मैं बता रही हूँ, नेशनल्स काफी होते हैं बट जो रिकॉग्नाइज्ड आपका गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड नेशनल होता है, उस नेशनल में मैं फर्स्ट गर्ल थी जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है जेएनके में। इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ती है कि आप ब्लैक बेल्ट हैं, तो
ब्लैक बेल्ट जब हम सुनते हैं मतलब सुन के ही हमें लगता है कि मतलब ये तो बहुत खतरनाक होने वाला है. जी. और ब्लैक बेल्ट बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कईयों को नहीं भी पता कि ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बेल्ट्स भी क्वालिफाई करनी पड़ती है. जी, जी. तो उस बेल्ट तक पहुंचने के लिए क्या रहा मतलब आपका, कैसे कैसे रहा, कैसे पहुंचे और जब पहुंचे तो कैसा लगा? जी बचपन से शुरुआत हुई है तो ब्लैक बेल्ट का एक तो हर एक पर्सन का सपना होता है कि मैं ब्लैक बेल्ट बनूं. जैसे मैं आपको बता रही थी एक्टर्स को देख के, अक्षय कुमार ब्लैक बेल्ट है तो टाइगर श्रॉफ वो है ब्लैक बेल्ट है, तो सबका सपना रहता है कि हमें भी ब्लैक बेल्ट मिले. मैं बताती हूँ ब्लैक बेल्ट बनना आसान भी है और ना आसान भी है. अगर आप किसी चीज को, अब बहुत ज्यादा पर्सन हैं, प्लेयर्स हैं जो सिर्फ पैशन के लिए नहीं खेलते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ गेम को जॉब के लिए खेलते हैं कि बस हमें जॉब लग जाए, बस गेम छोड़ दी. बट ये है कि मेरा कराटे जो फील्ड है मेरा पैशन है जिसे मैं बचपन से लेके चल रही हूँ. मैंने काफी ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया, काफी इंटरनेशनल्स खेले, काफी नेशनल्स डिस्ट्रिक्ट खेल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. तो जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है प्रैक्टिस कर करके, तो एक लेवल आपका ऐसा आ जाता है जब आपको कोई भी नहीं रोक सकता कि ब्लैक बेल्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता. बट ब्लैक बेल्ट बनने के लिए आपको कुछ हमारे काता होते हैं, हमारे कराटे में डेमो फाइट्स बोलते हैं जिनको हम, शेडो फाइट्स वो इंडिविजुअल होती है, और एक होती है कुमिते जो हम प्लेटफॉर्म पे ओपोनेंट के साथ खेलते हैं. दो तरीके की होती हैं गेम्स. जब आप वो सब अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं, जब आप लगता है कोच को कि आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर हैं ब्लैक बेल्ट के लिए, तो आपका टेस्ट होता है और टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप ब्लैक बेल्ट जीतते हैं. ओके, सो ये ब्लैक बेल्ट की जो आपने बात की, इसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक और चीज पढ़ी थी कि कंटिन्यूअसली आपने 7 times डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट रही है आप, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. उसका कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ. जी कॉन्टिन्यूसली 7 times मीन्स कि मैं लगातार हर एक इवेंट में, हर एक चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करती थी. कोई भी चैंपियनशिप में ऐसा नहीं सोचा है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, या मुझे कहीं से भी ऐसा रोका नहीं गया. मैं ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ रहा कि एग्जाम्स हैं आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा. मतलब जब आप किसी प्लेयर का पैशन बन जाती है ना वो गेम, तो वो कहीं पे भी रुकता नहीं है, चाहे उसको किसी भी चैंपियनशिप में घुसा दो. तो नेशनल्स, स्टेट लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट्स, तो नेशनल स्कूल गेम्स जो होती थी, तो उस सब में मैंने पार्टिसिपेट करके 7 times में, और ये भी बात है 7 times स्टेट कंटिन्यूअसली गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, और कोई मेडल नहीं, सिर्फ ओनली गोल्ड. एक प्लेयर के लिए होता है कि बहुत ज्यादा प्लेयर सोचते हैं कि आज मैं यही जीत के आऊंगा, बट काफी ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसा भी सपोर्ट करते हैं कि बेटा मेरिट मतलब पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है, मस्ट बी. तो मतलब उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं करा बेटा जीत के आना ये वो, बट ये है कि पूरा प्रॉपर मुझे तैयार किया जाता था फिजिकली और मेंटली कि कल आपका इवेंट है ये वो. मेरी ग्रैंड मदर ही मेरे साथ जाती थी हर एक इवेंट में. ओके, सो उनके साथ जैसे आप जाते थे, तो कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हैं आपके जो आप कुछ शेयर करना चाहें अपने मैचेस के या अपनी ग्रैंड मदर के साथ? मेमोरेबल मोमेंट मेरी काफी ज्यादा है ग्रैंड मदर के साथ, तो हमेशा रहती थी क्योंकि मेरे ब्रदर भी इसी फील्ड में है, तो दोनों भाई बहन के साथ हमारी ग्रैंड मदर ही हमेशा हर एक इवेंट में जाती थी. और जब हम और मैं हमेशा से दोनों चीजों में पार्टिसिपेट करती थी, काता जो मैंने बताया शेडो फाइट, और उसमें कुमिते में भी जो फाइट करते हैं जो हम ओपोनेंट के साथ, दोनों में पार्टिसिपेट करती थी और दोनों में ही गोल्ड लेती थी. तो फिर हमारी ग्रैंड मदर को उसके लिए ऑनर भी किया जाता था उस टाइम पे कि ये आपके दोनों बच्चे रिप्रेजेंट करने आए हैं एक्स वाई जेड स्कूल को, तो मतलब उनको भी बहुत अच्छा प्राउड फील होता था. और मेमोरेबल मूवमेंट मेरा वो रहा जब मैंने जेएनके में हिस्ट्री क्रिएट की. मैंने ये सोचने के लिए नहीं की थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं गोल्ड ही जीतूं, मैंने ये नहीं सोचा था. बट आहिस्ता आहिस्ता जब मेडल के पास पहुंचती गई, वेस्ट इंडीज के साथ लड़ाई हुई, वेस्ट बंगाल के साथ, तो उसके बाद पंजाब के साथ, हर एक स्टेट के साथ फाइट करने के बाद, तो मेमोरेबल मोमेंट ये रहा जब उन्होंने अनाउंस किया माइक में कि जो ऑल इंडिया में गोल्ड लेगा तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी जो हम बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. तो काफी ज्यादा प्लेयर्स अपसेट भी हो गए थे कि सिर्फ पल्लवी को वो मौका मिला,
वो टाइम बहुत अच्छा लगा, बट मुझे ये भी था कि मेरी स्टेट मुझे कैसे ऑनर करेगी, कैसे फेलिसिटेट करेगी, तो मतलब वो मोमेंट बहुत अच्छा रहा कि मैं अकेली लड़की, एक तो फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया में जेएनके से फर्स्ट आई हूँ, और साथ में अपनी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करना है, वो भी एशियन गेम्स में भी फर्स्ट गर्ल हूँ जिसने जेएनके को भी और इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट किया है, हाँ ताशकंद में रशिया के में उज़्बेकिस्तान जी। सो अगला सवाल मेरा यही था कि आपने अभी हमने ब्लैक बेल्ट की बात कर ली है, आपके मैचेस की बात कर ली है, सो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर आपके साथ इतना बड़ा ये जो ताज सजा है आपने, तो इसकी बात ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो इंटरनेशनल जो आपका रहा था उसका मतलब आप कहाँ गए, कैसे रहा, कितने मैचेस हुए, कौन कौन सी टीम्स थी आपके साथ? जी एशियन गेम्स में सिर्फ एशियन ही कंट्रीज आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज वहाँ पे आई थी, तो जो मेरी एशियन टूर्नामेंट थी वो थी मेरी ताशकंद में, वहाँ पे ईरान, पाकिस्तान, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज आई थी, बहुत अच्छा मैच रहा, फर्स्ट टाइम गई थी मैं, और बचपन भी था, बचपना था मेरे में, तब मैं 10th क्वालिफाई की थी मैंने, मतलब 2011 में मैंने हिस्ट्री क्रिएट की थी, तब मैं गई थी ताशकंद में, और अकेली लड़की गई थी, बस मेरे कोच गए थे और मैं ही गई थी, तो मतलब काफी अच्छा रहा वहाँ पे सबके साथ लड़के, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ पे, तो वही टेक्निक्स, अभी मैं कोचिंग देती हूँ तो वही टेक्निक्स वगैरह जो सीख के आई है वहां से, काफी ज्यादा प्लेयर्स को उसमें ट्रेन कर रही हूँ। बिल्कुल, सो अभी जैसे मुझे लगता है आपके जवाब के साथ ही मेरा सवाल जुड़ जाता है, सो अगला सवाल भी मेरा यही है कि अभी तक आप 500 प्लेयर्स को जम्मू कश्मीर से ट्रेन कर चुकी हैं और वो करंटली खेल रहे हैं, सो उन 500 बच्चों को जब आपने ट्रेन किया है तो अभी तक उन बच्चों ने कहाँ कहाँ मैचेस खेले हैं या फिर किस तरह से चल रहा है या सिखाती कैसे हैं आप उनको? जी मैं सिर्फ प्लेयर्स को नहीं वो करती, ट्रेन करती हूँ, मैं वुमेन्स को भी करती हूँ, मेरे पास सिविल वो सेल्फ ये इनकी आर्मी वालों की ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स की लेडीज वो भी सीखती हैं एज अ सेल्फ डिफेंस सीखती हैं मेरे पास जी, तो प्लेयर्स भी सीखते हैं, कैंप भी हमारे काफी लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के दौरान, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, उनका कैंप लगते हैं सेल्फ डिफेंस के वुमेन्स डे पे, और काफी ज्यादा मीडिया वाले काफी ज्यादा न्यूज चैनल्स भी लगाते हैं, अपने कैंप्स लगाते हैं जिनमें मुझे इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट और एज अ ट्रेन करने को उनको, तो मतलब काफी जगह पे बहुत ज्यादा प्लेयर जी। कैसा लगता है जब आप उनको ट्रेन करती हैं और मतलब वो आपसे सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं आपसे? काफी अच्छा लगता है कि इतनी छोटी एज में इतनी अचीवमेंट कर ली है, तो काफी अच्छा लगता है जब वो क्वेश्चन पुट करते हैं, और जिनको कुछ वुमेन्स होती हैं या गर्ल्स होती हैं जो ज्यादा मतलब क्वेश्चन पुट आउट करती हैं कि मैम हमें ऐसे किसी ने पकड़ा होगा तो कैसे बचाना है, मतलब काफी अच्छा लगता है तब कि कुछ मैं किसी को किसी की मदद कर रही हूँ और किसी को कुछ सिखा रही हूँ, मतलब काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल, सो आपको क्या लगता है बीइंग अ गर्ल कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए सेल्फ डिफेंस आना, मतलब कि हमें कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जिसमें हम किसी भी सिचुएशन में खुद को सेफ रख सकें? जी गर्ल्स को बहुत ज्यादातर देखते हैं कि हर एक लड़की क्या कुछ भी वुमेन जो भी है, जब कोई दुर्घटना घटती है तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर एक मुसीबत का सामना करने के लिए डट के करना चाहिए, आपको कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स वगैरह हैं वो जरूर आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पंच करना तो जरूर आना चाहिए, हैंड बंद करके अंगूठे को हमेशा अपने ये ऊपर रखना है, हाथ के ऊपर रखना है, अगर आप ऐसे रखेंगे या ऐसे बंद करेंगे तो आपको भी इंजरी हो सकती है, अपना हाथ हमेशा ऐसे बंद करके इस पंच का यूज कर सकते हैं, और 5 मेन पॉइंट्स को याद रख लीजिए, 5 पॉइंट्स हमारे, सबसे पहले एक होती है आईज, आईज पे अगर आप किसी को कॉन्टेक्ट करेंगे तो काफी देर तक उसको कुछ विजिबल नहीं होगा, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अपनी एल्बो या किसी चीज का यूज करेंगे उसके नोज पे, आपने कभी देखा होगा कि नोज पे अगर लग जाए तो आंखों में पानी आने लगता है, तो आप अपने नोज पे ये पार्ट का यूज कर सकते हैं एल्बो का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ये गले में, ये थ्रॉट के पास, ये इधर यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को भी जो पंच मैंने आपको सिखाया ये पंच यूज करोगे
तो काफी देर तक उसको ब्रीथ लेना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, आप आपकी रिब्स के नीचे पार्ट होता है स्टोमक के पास, तो वहां पे आप पंच करेंगे, पंच सिर्फ पुश करना है, देन बैक। आप कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि आपको पूरी टेक्निक से मारना है, अपने बचाव के लिए आप यूज कर सकते हैं ये टेक्निक्स का जो मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टमक के बाद एक आता है ग्रोइन पार्ट, जो बेल्ट के नीचे आपका मेन पार्ट होता है मेल का, तो वहां पे आप अटैक कर सकते हैं। आप फुटबॉल किक भी एक सीख सकते हैं, जैसे फुटबॉल को पुश करते हैं अपने पांव से, तो वैसे ही पुश कर सकते हैं, तो आप उसको ग्रोइन पार्ट पे मार सकते हैं। तो मतलब बस पैनिक ना होए, मतलब अच्छे से कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कभी अपने आप को लो फील ना करें, खासकर लड़कियां। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैम, इसके साथ साथ आपने इतने सारे जो मैचेस खेले हैं और अवार्ड विनिंग भी है, आपके यंग वुमेन अचीवर अवार्ड से आपको नवाजा गया है। सो उस अवार्ड को जब आपने रिसीव किया था, क्या फीलिंग थी उस टाइम और कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 11th में थी, तब मैंने 11th में अभी मैंने एडमिशन ली थी, 10th के बाद ही मैं हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी मैंने, तो टर्निंग पॉइंट मेरा तभी स्टार्ट हो गया था। उसी वक्त से मेरे को मतलब जो आस पड़ोस के लोग हैं, किस कोई ये नहीं सोचता कि अभी वो छोटी है या कुछ, कभी भी कुछ किसी ने ऐसा सोचा नहीं, तो उसी वक्त से मेरे पास प्लेयर्स तैयार होने स्टार्ट हो गए, बच्चे आने लगे कि मैम हमें आप ही से मार्शल आर्ट सीखना है। हाँ जी। तो तब मैं 10th में थी, स्टडी के साथ साथ मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देती थी उस टाइम पे, तब मैं खुद भी 18 प्लस भी नहीं हुई थी, तब से मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं 11th में गई थी, तो तब मैं रशिया ताशकंद गई थी, तो तब उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं कॉलेज लाइफ में थी, जब मुझे यंग वुमेन अचीवर अवार्ड के लिए पता चला कि मुझे मिलना है JNK में, रेड क्रॉस सोसाइटी से मिला था, रेड क्रॉस और एक और टीम थी, दोनों का कोलैबोरेट था, तो उनसे मिला था। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ कि इसी एज पे मुझे यंग वुमेन अचीवर अवार्ड मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं जो आप पे प्राउड कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेज प्राउड फील कर रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है शायद लक्ष्य गुप्ता ने कि सो प्राउड ऑफ यू मैम, सो इसी से पता चलता है कि आपने अचीव क्या किया है। और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने सारे अवार्ड, इतने सारे मैचेस आप अभी तक खेल चुकी हैं, मेडल्स ले चुकी हैं, सो फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके, क्या आगे आप क्या करना चाहेंगी? फ्यूचर में वैसे तो मेरा सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सेट है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ और साथ में मैं कोचिंग भी देती हूँ, जो मेरा पैशन था वो मुझे मिल गया है। बट ये है कि मैं चाहती हूँ फ्यूचर में मैं अपने प्लेयर्स को एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करूँ, ताकि वो मुझे, मेरा और मेरी कंट्री का मतलब नाम रोशन करें। मतलब तभी मुझे अच्छा, एक कोच को तभी अच्छी फीलिंग आती है कि जब उसका प्लेयर अच्छे लेवल पे खेल के आए, तो उसको भी लगता है कि कल मैं करता था आज मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वही लेवल अचीव, तो बहुत अच्छा फील होगा उस टाइम पे मुझे, जब मैं अपने प्लेयर्स को आगे तक लेके जाऊंगी। बिल्कुल। सो जितने भी ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, जो यंगस्टर्स आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, जाते जाते उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? मैं यंगस्टर्स को और पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि आपके बच्चे का कोई भी पैशन है या किसी भी को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटी में वो अगर मतलब उससे इंस्पायर है या उनका पैशन है वो चीज में, तो आप उनको जरूर उस चीज में पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपका बच्चा कभी भी गलत राह पर ना जाए। और बस उसी को लेके कुछ पेरेंट्स होते हैं डिमोरलाइज हो जाते हैं, जैसे कराटे को लेके ही मैं बता रही हूँ, काफी ज्यादा पेरेंट्स होते हैं, आजकल का ऐसा जमाना आ गया है कि पेरेंट्स बच्चे को थोड़ी सी भी लग जाए पेरेंट्स घबरा जाते हैं, कुछ पेरेंट्स यही सोच के गेम में पार्टिसिपेट नहीं कराते हैं, हमारे बच्चे को लग जाएगी। मैं सिर्फ कराटे गेम की बात नहीं कर रही हूँ, फुटबॉल क्रिकेट कोई भी गेम है, बहुत ज्यादा बच्चे ये कोरोना में कोविड में बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हुआ है स्पोर्ट्स को लेके, और काफी ज्यादा पेरेंट्स भी हुए हैं अभी ओलंपिक गेम्स को लेके कि मीरा बाई उस लेवल पे पहुंच गई है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास उस लिए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने भी वो लेवल अचीव करना है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि पेरेंट्स ये ना सोचे कि गेम में लग जाएगी, अपने बच्चे को इतना भी नाजुक ना समझे, अगर मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ऐसा समझा होता मैं इस लेवल पे अभी नहीं होती, जिस लेवल पे मुझे अभी एज अ चीफ गेस्ट, एज अ
सेलिब्रिटी मतलब ऑनर किया जाता है, फेलिस्टेट किया जाता है, तो आप भी अपने बच्चे को एक जिसमें उसका कीड़ा है, जिस चीज में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको उसी चीज में लेके जाएं। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, फिजिकली और मेंटली पर्सन बच्चा फिट होना चाहिए। तो बस यही अपील है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करें, और यंगस्टर्स को भी यही है, जो आपका पैशन है उसको लेके आगे चलो। और सिर्फ स्टडी से कुछ नहीं होता, आपके बैक एंड पे भी कोई ना कोई गेम होगी। आप जैसे देख रहे हैं यूथ हमारा कितना ज्यादा, कहाँ जॉब्स कितनी ही मिल रही हैं यूथ को, तो आपके बैक एंड में कुछ ना कुछ होगा, तो आप उसको लेके अपना कैरियर बना सकते हैं। तो बस यही मेरा मैसेज है सबसे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आपने बहुत सारी अपनी जो जर्नी थी, अपनी जितनी भी आपके सफर रहा है अभी तक हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू टेक वन।